आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आपको अपने पितरों के निमित्त अगर नित्य तर्पण करना हो या प्रत्येक अमावस्या के दिन तर्पण करना हो तो हम बहुत ही सरलतम विधि के साथ तर्पण कैसे करेंगे, यह सारी व्यवस्था मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपने अपने पितरों के तर्पण करने से पूर्व क्या क्या व्यवस्था कर लेनी चाहिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं। तो देखिए, पितरों के लिए जैसे आप जल में आपने गंगा जल भी जरूर डालना चाहिए। यह पितरों के तर्पण के लिए दुग्ध है। यह दक्षिण मुखी दीपक मैंने तिल के तेल का प्रज्वलित करके रखा है। शालिग्राम भगवान, आपको मैंने व्यवस्था बताई थी कि जब भी आप श्राद्ध आदि तर्पण करें तो शालिग्राम भगवान के सन्निकट करें, इसका अनन्य गुणफल प्राप्त होता है। श्वेत चंदन, पितरों के श्राद्ध में तर्पण में केवल श्वेत चंदन का प्रयोग करना चाहिए, यह ध्यान देने वाली बात है। और साथ ही साथ पात्र साधन क्या क्या करना चाहिए आपको, अगर आपके पास कांसे की ये थालियां हैं तो सबसे उत्तम है साहब। कांसे की थाली में तर्पण अनन्य गुणा रहता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए आप अपने पितरों के लिए एक अगर कांसे की थाली ला सकें, बहुत सुंदर, इसमें आप अगर तर्पण करें बहुत सुंदर है। कुशा है, वो कुशवट ब्राह्मण है, कुशा के ब्राह्मण, यह प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर देव मनुष्य पितृ तर्पण के लिए यह मैंने कुशा रखी है। यह दो पवित्री है, एक दो कुशा वाली है, एक त्रि कुशा वाली है। जो दो कुशा वाली है उसको दाहिने हाथ के अनामिका अंगुली में धारण करना है, और जो यह तीन कुशा वाली है इसको आपने अपने बाएं हाथ की अनामिका अंगुली में धारण करना चाहिए। यह तो होगी पवित्री। और उसके बाद देखिए, यह अर्घ्य है, यह ताम्र अर्घ्य है सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, और यह पंचपात्र आचमनी है, और यह जल का लोटा है जो हम तर्पण के लिए यूज करने वाले हैं। साथ ही साथ आपने यह भी देखना है, जो जब भी आप पितरों के लिए तर्पण करें आप धोत वस्त्र धोती जरूर धारण करें, और अर्धनंग शरीर होना चाहिए, शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, सिला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। पितृ पूजन में हो या देव पूजन में हो आपने उत्तरीय वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। आपके कांधे पर यज्ञोपवीत जनेऊ जरूर होना चाहिए। अगर आप यज्ञोपवीत धारण करने वाले नहीं हैं तो आप गमछे के माध्यम से भी यज्ञोपवीत को रूप धारण करके आप तर्पण आदि कर्म कर सकते हैं। तो सारी व्यवस्था आपको मैंने समझा दी। अब सर्वप्रथम आपने क्या करना है, जब आप श्राद्ध प्रारंभ करेंगे आपने दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। सर्वप्रथम आपने अपने हाथों को प्रक्षाल्य कर लेना चाहिए। तो देखिए, इस तरफ से अपने हाथों में जल लेकर अपने हाथों को प्रक्षाल्य कर लेंगे। हस्तम प्रक्षालनम, ऐसे अपने हाथों को प्रक्षाल्य कर लेंगे। और उसके बाद आपने तीन बार आचमन करनी है। ओम ऋग्वेदाय स्वाहा, यजुर्वेदाय स्वाहा, सामवेदाय स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः, ऐसे अपने हाथों को आप धो लेंगे नीचे की ओर। आचमन आदि करने के बाद अब आपने अपनी शिखा का बंधन कर लेना चाहिए। शिखा को बांध लीजिए, गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप बांध सकते हैं, या ओम चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्वित तिष्ठ देवी शिखा मध्ये शिखां ग्रंथिं करोम्यहम्। इस तरह से अपनी शिखा का मस्तिष्क पर तिलक धारण कर लेना चाहिए, ऐसे खड़ा तिलक लगाना चाहिए, सफेद चंदन का खड़ा तिलक लगाना चाहिए, और अपने दोनों कानों पर लगाइए, अपने थोड़ा कंठ पर लगाइए, हृदय पे लगाइए, नाभि के पास लगाइए, और थोड़ा सा अपने बाहू उंगलों के पास लगा दीजिए, मणिबद्ध के पास। आपने इस तरह से देखिए, आप देख रहे हैं ना, आप इस तरह से चंदन लगा लेंगे, ठीक है। यह चंदन की व्यवस्था आप धारण कर लेनी चाहिए। दो कुशा वाली पवित्री अपने दाहिनी हाथ की अनामिका उंगली में, और तीन कुशा वाली पवित्री आपने अपने बाएं हाथ की अनामिका उंगली में इस तरह से धारण कर लेनी चाहिए। देखिए, नहीं हो तो आप इनकी जगह चांदी का या स्वर्ण की मुद्रिका भी धारण कर सकते हैं, मैंने प्रमाण शास्त्र में आपको दिया है। अब इस तरह से देखिए, सर्वप्रथम अब हम तर्पण कर्म प्रारंभ करते हैं। तर्पण कर्म प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम आप अपने हाथ में जौ और तिल लेकर भगवान नारायण के सन्निकट जो शालिग्राम है वहां पर पुष्प अर्पण कर देंगे। ओम विष्णवे नमः कहके पुष्पादि अर्पण कर देंगे। ओम विष्णवे नमः, इस तरह से भगवान शालिग्राम के सन्निकट आप अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण कर्म प्रारंभ कर रहे हैं। अब आपने अपने हाथ में संकल्प लेना है, थोड़ा सा पुष्पादि लेके कुशा आप रख लीजिए, जौ तिल का प्रयोग आपने अवश्य करना है, और थोड़ा सा आप इसमें
किंचित मात्र जल डाल दीजिए, संकल्प लीजिए संक्षिप्त दीदी से, कहिएगा ओम विष्णु विष्णु विष्णु, तीन बार कहिए, अद्यः मम गोत्र, अपने गोत्र का नाम लीजिए, मम गोत्र उत्पन्न अमुक शरवणस्य, अपना नाम लीजिए, और उसके बाद फिर कहिएगा अद्यः श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थं देवर्षि मनुष्यं पितृणां स्वपितृणां तर्पणाख्याः देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणं करिष्ये। इस तरह से कहते हुए अपने संकल्प को आप यहाँ पर जो यह मूल है यहाँ पर आप छोड़ देंगे। संकल्प करने के तदुपरांत अपने हाथ में थोड़ा अक्षत पुष्प यव और तिल लेकर, जौ और तिल लेकर प्रार्थना कीजिए कि इस स्थान पर हमारे देव ऋषि पितृ सब आकर विराजमान हो, ऐसा मन में विचार कीजिए। अगर मंत्र कह सकते तो कहिए, ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडो दरवर्तिनः। इस तरह से यहाँ पर आप पुष्प को ध्यान को अर्पित करके इस तरह से हाथ लगा देंगे। तो अब सर्वप्रथम तर्पण का प्रारंभ देव तर्पण से किया जाता है। देव तर्पण सदैव पूर्वाभिमुख होकर किया जाता है। मैं यहाँ पर आपको वीडियो में घूमकर नहीं बता सकता, लेकिन आपने प्रथम तर्पण देवताओं के लिए करना है तो आपने सर्वप्रथम पूर्व की ओर मुख, जहां से सूर्य भगवान उदित होते हैं वहां की ओर मुख कर लेना है, और अपना जो दाहिना घुटना है उसको पृथ्वी पर लगा लेना है। आपका जो ये है ना उत्प्रिय वस्त्र, आपने इसको अपने बाएं कंधे पर रख लेना है। तो अब आपने तर्पण करने के लिए यह पात्र है, पात्र में आप इसमें थोड़े से गेहूं डाल दीजिए, तिल डाल दीजिए, पत्र डाल दीजिए, पुष्प डाल दीजिए, आंवला पत्र भी डाल दीजिए, और थोड़ा सा इसमें आप इसमें दुग्ध डाल देंगे। आपने दुग्ध की व्यवस्था कर दी है। अब आपने पूर्वाभिमुख होकर देखिए अपना जो दाहिना घुटना है उस दाहिने घुटने को आपने मोड़ देना चाहिए, इस तरह से मोड़ देना चाहिए देखिए। और अब आपने इस तरह से करते हुए, यह देव तीर्थ है देखिए, यह देव तीर्थ है, अपने देव तीर्थ के द्वारा देखिए यहाँ जल प्रदान करना। देखिए आप एक एक चम्मच आपने जल डालते रहना, मंत्र बोलेंगे अगर आप मंत्र बोल सकते हैं, मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी पढ़ सकते हैं। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, विष्णु तृप्यताम, रुद्र तृप्यताम, देवास्तृप्यन्ताम, छन्दांसि तृपन्त्यां, वेदास्तृपन्त्यां, ओम देवानुस्तृपन्त्यां। यह मंत्र पढ़ते हुए आपने देवताओं के निमित्त इस तरह से तर्पण जलदान करना चाहिए। अब आपने ऋषियों के निमित्त तर्पण करना है। ऋषियों के लिए आपने जो तर्पण करना है वह उत्तर की दिशा की ओर करना चाहिए। अपना कोई भी घुटना जमीन पर धारण नहीं करना है। आपने इस तरह से पालती मारकर, चौकने मारकर पद्मासन सुखासन पर बैठ जाएंगे आसन पर अपने, और उत्तर की ओर मुख कर लीजिए, और आपने अपनी जो ये यज्ञोपवीत है इसको माला की तरह, कंठावरोहणम कहते हैं, माला की तरह धारण कर लाना चाहिए। और अगर आपके पास यज्ञोपवीत नहीं है तो आप अपने अंगूठे के द्वारा ही, उत्तरी वस्त्र के द्वारा ही आप अपने इसको यज्ञोपवीत की तरह, माला की तरह धारण कर लेंगे उत्तरीय वस्त्र को, देख रहे हैं आप। अब आपने अपनी इस कुशा को इस तरह से पकड़ लेना है, देखिए यह है ना, इस तरह से पकड़ लेना है, और यह ऋषि तीर्थ है, यहाँ से आपने एक चम्मच से दो दो अंजलि जल प्रदान करना चाहिए। आइए कीजिए, एक चम्मच से दो दो बार जलांजलि दीजिए। ओम सनकस्तृप्यताम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदस्तृपन्त्याम सनंदस्तृपन्त्याम, ओम सनातनस्तृप्यताम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम आसुरिस्तृप्यताम, ओम बोडुस्तृप्यताम बोडुस्तृप्यताम, ओम पंचसिकस्तृप्यताम पंचसिकस्तृप्यताम। दृश्यों के लिए तर्पण उत्तराभिमुख करने के बाद अब आपने अपनी दिशा को दक्षिण दिशा की, मेरी यह दक्षिण दिशा यहाँ को है, दक्षिण दिशा की ओर अपने मुख को कर लेना चाहिए। आपका जो यह बायां घुटना है इस बायां घुटने को आपने धरती पर लगाना है, और जो आपका यह उत्तरीय वस्त्र है अब आपने इसको अपने अपने दाहिने कंधे पर रख लेना। देखिए जिन्हों को आपने अपसव्येन कर लेना, यह है इसे बोलते हैं अपसव्येन, बाएं भाग में अपने यज्ञोपवीत को आप कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से अपने बाएं घुटने को मोड़ लीजिएगा, बाएं पैर को इस तरह से पृथ्वी पर लगाने के तदुपरांत अपने हाथ में पुष्प लेकर कहिए, ओम आगच्छन्तु मे पितृ इमं गृणन्तु जलांजलिं। हे पितरो आकर वास कीजिए, ऐसा भाव रखते हुए। अब आपने पितृ तीर्थ के द्वारा, देखिए इसे पितृ तीर्थ कहते हैं, यह प्रादेश मात्र है, यहाँ जो मध्यस्थ स्थान है इसे पितृ तीर्थ कहते हैं।
दोनों तर्जनी और अंगुष्ठा के मध्य का भाग, यह पितृ तीर्थ है। तो आपने पितृ तीर्थ के द्वारा अपने पितरों को एक चम्मच से तीन तीन बार जल प्रदान करना है। ओम यमाय नमः, यमाय नमः, यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः। ओम मृतवे नमः, मृतवे नमः, मृतवे नमः। ओम अंतकाय नमः, अंतकाय नमः, अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः, वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः, कालाय नमः, कालाय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। अद्येह अस्मि तु मम पितु, अगर सबसे पहले पिताजी का नाम लिया जाता है, अगर आपके पिताजी नहीं है तो आप अपने पिताजी का नाम लीजिए। अद्येह अम गोत्र, अपना नाम, अपने गोत्र का नाम लीजिए। अस्मि तु मम पितु, अपने पिताश्री का नाम लीजिए। वसु स्वरूपस्य तृप्यता मिदम तिलतिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तिलतिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तिलतिलोदकम तस्मै सुधा नमः। ऐसे नीचे छिटे दीजिए, तृप्यधम तृप्यधम तृप्यध्वम। यहाँ पर फिर अपने हाथ में जौं तिल लेकर अपने पिता के बाद दादाजी के लिए कहिएगा, अगर दादा जीवित नहीं है तो। मम गोत्र, अपने गोत्र का नाम, दादाजी का नाम अस्मित पितामह अमुक शर्मणस्य, जो भी उनका नाम है उनका नाम लेते हुए कहिए, रुद्र स्वरूपस्य तृप्यता विदम तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। और उसके बाद फिर आप अपने पर दादाजी के लिए कीजिएगा। फिर अपने हाथों में देखिए यह जव तिल लेकर, अगर नाम नहीं आता है तो आपने अंतरिक्ष का प्रयोग कर लेना चाहिए या अमुक का प्रयोग कर लेना चाहिए। फिर कहिए, अत्र अमुक गोत्र, हम अपना गोत्र लीजिए और उनका नाम लेते अस्मि तु मम पर पितामह नाम, अपने बड़े दादाजी का नाम लेते हुए अमुक शरण से, जो भी उनका नाम है उनके नाम के आगे कहिए, आदित्य स्वरूपस्य तृप्यतामिदम तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। उसके बाद फिर अब आपने अपने माता जी के निमित्त तर्पण करना है। अपने हाथ में यव तिल लेते हुए अपनी माता जी का नाम लीजिए, गोत्र का उच्चारण करते हुए माता जी का नाम लें। आपकी माता जी का नाम कहिए, अस्मन माता अमुकी देवी, जो भी उनका नाम है उनके नाम के आगे लगाइए, वसु स्वरूपा, वसु स्वरूपा बोलते हुए, तृप्यतामिदम तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, इदम तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, इदम तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। अपनी दादी जी का नाम लीजिए और दादी जी के बाद ऐसे ही पर दादी जी का नाम लेते हुए दादी के नाम के पीछे रुद्र स्वरूपा बोलते हुए जल छोड़िए। और बड़ी दादी की, अगर बड़ी दादी का नाम पता है, नहीं पता है तो सुंदरी कहते हुए अमुकी देवी कह देना। बड़ी दादी के नाम के पीछे आदित्य स्वरूपा लगाते हुए, इदम तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, इदम तिल तिलोदकम तस्मै सुधा नमः, तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। और इसी तरह से पितृ तीर्थ से आप जल की धारा दे सकते हैं। ऐसे देखिए, अपने सारे पितरों को याद कीजिए, ओम उदीरताम वर उत्परासन मध्यामह पितर सौम्यास असूय ईयुर वृकारित ज्ञास्ते नो वंतु पितरो हवेकुम। ओम अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अतरवाणो मृगवः सौम्यास येषां वयगं सुमतौ यज्ञानापि भद्रे सोमनसेष्याम। देखिए, इस तरह से आपने अपने पितरों के निमित्त तर्पण देना चाहिए। आप अपने नाना नानी के लिए भी तर्पण दान कर सकते हैं। आप अपने नाना नानी के लिए भी देखिए, अपने हाथ में पुष्प आदि लेकर अपने नाना नानी का भी नाम लीजिए, अस्मि तु मम नाना जी। अगर नाम नहीं आता तो अमुक शर्मणः कह देने, वसु स्वरूपः पर नाना के नाम लेते हुए उनके नाम के पीछे लगाइए, रुद्र स्वरूपः। अगर आपके बड़े नाना जी का नाम नहीं आता है तो उनका अमुक शर्मणः कहते हुए उनके नाम के पीछे लगाइए, आदित्य स्वरूपः तृप्यताम। और इसी प्रकार अपने नानी जी का भी नाम लीजिए। अगर आपको नानी जी का नाम पता है तो नानी जी का नाम लेकर नानी जी के नाम के पीछे लगाइए, वसु स्वरूपा। उसके बाद पर नानी का नाम लेते हुए रुद्र स्वरूपा। उसके बाद वृद्ध प्रणानी का नाम लेते हुए आदित्य स्वरूपा तृप्यताम तृप्यताम। इसी तरह से आपने यही अंजलि बनाते हुए, आपने अपने कोई चाचा जी नहीं है, ताऊ जी नहीं है, कोई भी अपने दिवंगत पितर है, इसी तरह से उनके निमित्त आपने तर्पण जलदान करना चाहिए, जो मैंने आपको विधि बताई है। तर्पण जलदान करने के बाद अब आप यथास्थान पर बैठ जाएंगे और अपने हाथों को प्रक्षाल्य कर लेंगे। समस्त पितरों को तर्पण करने के बाद अब अपने इस अंगूठे को चार बार इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और इसमें अब आपने जल करके, ऐसे देखिए, जल के द्वारा वस्त्र निष्पेट जनम,
देखिए यह जल निष्पीड, आपने जल को निचोड़ना है। ये कीर्त्यात्म कुले जाता अपुत अपुत्रा गोत्रिणो मृताहा ते गणन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीड्य नोदकम। इस तरह से अपने वस्त्रों को निचोड़ लेना चाहिए। देखिए अंगोछा आपने निचोड़ लिया है, आपने ऊपर पवित्र जल का छींटा देकर अब आपने अपने इस यज्ञोपवीत को भी सव्यन कर लेना चाहिए। अब आप अपने इनको दाहिने हाथ में डालेंगे इस तरह से, और अपने अंगोछे को भी आप अपने इस तरह से दाएं कंधे पर रख लेंगे। देखिए अब देख रहे हैं ना आप, अब मेरी यज्ञोपवीत इस तरह से हो चुकी है। और उसके उपरांत अब आपने सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। इसमें आप शुद्ध जल भर लेंगे, और शुद्ध जल भरने के बाद इसमें थोड़ा यव तिल डाल लेंगे, और पुष्प लेकर अपने स्थान पर खड़े होकर सूर्य भगवान को, मैं यहाँ पर खड़ा होकर नहीं दिखा सकता, आपने स्वतः अपने स्थान पर खड़े होकर सूर्य भगवान को 3 बार अर्घ्य की जल धारा प्रदान करनी चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करने के बाद अब आपने अपने दोनों हाथों को प्रस्थान खड़ा करते हुए सूर्य भगवान को प्रणाम कर देना चाहिए। ओम सूर्याय नमः कह दीजिए, ओम दिवाकराय नमः, भानवे नमः। इस तरह से अपने हाथों खड़े करके सारी दिशाओं को प्रणाम कीजिए, पूर्व से लेकर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वायव्य कोण ईशान कोण नैवृत्य कोण आग्नेय कोण समस्त दिशाओं को ऊर्ध्वे नमः अधसे नमः। पृथ्वी को इस तरह से आपने प्रणाम कर लेना चाहिए। अब देखिए आपने जो यहाँ पर तर्पण किया है, इस तर्पण को आपने देखिए अपने आंखों में स्पर्श करना कैसे, ये देखिए ऐसे दो उंगलियां अनामिका और तर्जनी के द्वारा वैसे इनको डुबो जी, इनको ऐसे डुबाकर अपने पहले आंखों में स्पर्श कर लीजिए। देखिए आप देख रहे होंगे, अब आपने इस तरह से अपने हाथों को क्रॉस हैंड कर लेना है, फिर डुबाइएगा ऐसे अपने उंगलियों को, और फिर देखिए अपने ऐसे करके अपने कानों में स्पर्श कर लेना चाहिए, अपने ऊपर मार्जन कर सकते हैं। अब आपने तर्पण का विसर्जन करना है, तो विसर्जन करने के लिए आप अपने हाथ में जल लीजिए, और जल लेते हुए मंत्र मेरे साथ पढ़िए, कहिए कि अनेनो यथाशक्ति कृतेनो देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणाख्येनो कर्मणा भगवान पितृरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम न मम। मैंने अपने पितरों के निमित्त जो तर्पण जल दान किया वह मेरे पितरों को प्राप्त हो। इस तरह से बोलते हुए 3 बार इस तरह से घुमा दीजिए। ओम यश समृत्या च नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दिशो न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। इस तरह से जल अर्पण करने के बाद 3 बार हाथों को जोड़ते हुए कहिए ओम अच्युताय नमः, अच्युताय नमः, अच्युताय नमः। पवित्रिका इस तरह से आपने अब विसर्जन कर देना चाहिए। अब देखिए जो ये ब्राह्मण है इनको आपने खोल लेना चाहिए, क्योंकि कुशा जो श्राद्ध में लगती है वह पुनः से प्रयोग में नहीं आती है। अगर आप अपने पितरों के लिए कुछ अन्न आदि दान करना चाहते हो तो इसको भी अपने सामने रखिए, और इस तरह से सामने रखते हुए अपने हाथ में पुष्प आदि लीजिए, और इस तरह से देखिए संकल्प के द्वारा आप दान कीजिए, और हाथ में पुष्प लेते हुए कहिए कि मैं अपने पिताजी के लिए, दादाजी के लिए, परदादाजी के लिए, अपनी माता दादी के लिए, परदादी के निमित्त यह जो अन्न है वह मैं दान करता हूँ। इस तरह से अन्न के ऊपर आप जल का छींटा लगाकर छोड़ दीजिएगा, और इसमें दक्षिणा द्रव्य आदि रखकर आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। अतः मुझे आशा है कि आपको यह सरल विधि तर्पण की अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। आपके मन में कोई शंका है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप सभी सज्जन भक्तों को मेरी ओर से अनंता अनंत कोटि वंदन प्रणाम। ओम श्री पितृदेवताभ्यो नमः।